ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। Hello and good afternoon to all students. This is the fifth part of Sartre Output Equilibrium, and today we are going to see shift in equilibrium, impact of additional investment. See this graph here, AD curve, that is the sum of C and I, shows additional aggregate demand. And Y curve is the income curve of the economy. इस ग्राफ में हम देखें कि ये जो एडी वक्र है, सी और आई का कुल योग यानी समग्र मांग को दर्शा रहा है। ये आरंभिक समग्र मांग है, और जो वाई लाइन है, वाई वक्र है, ये आय स्तर को दर्शा रहा है। हियर शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम मींस व्हेन वी मेक सम चेंज इन द इक्विलिब्रियम, मींस व्हेन वी मेक सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। यहाँ पे संतुलन में खिसकाव का अर्थ ये है कि हम अर्थव्यवस्था के संतुलन में कुछ परिवर्तन लाते हैं। कैसे? डिमांड को बढ़ा के, एग्रीगेट डिमांड में चेंज करके। अगर हम निवेश में परिवर्तन करते हैं तो अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन होता है? सो नाउ दिस एडी वन कर इन द सम ऑफ सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई मींस हियर एग्रीगेट डिमांड ऑफ इनिशियल लेवल प्लस डेल्टा आई is added, then the curve, a new curve is formed or the initial curve shifted upward. जब हमने एडी वक्र जो शुरुआत का आरंभिक समग्र मांग थी सी प्लस आई, उसमें कुछ निवेश और अतिरिक्त निवेश को बढ़ाया, तब एक नई वक्र बन गई, यानी पुरानी जो वक्र है ई ए डी, इस पे खिसका हुआ और ये ऊपर की ओर एफ ए डी वन बन गई। यहाँ पे सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई है। सी प्लस आई मीन्स इनिशियल एग्रीगेट डिमांड, सी प्लस आई का मतलब है आरंभिक समग्र मांग, प्लस डेल्टा आई मीन्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ड्यू टू दिस एडिशनल इन्वेस्टमेंट वी सी सम राइज इन इनकम ऑल्सो। इस अतिरिक्त निवेश से हम आय में भी कुछ परिवर्तन देख रहे हैं। द इनिशियल लेवल ऑफ इनकम वॉज ए, द इनिशियल इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी वॉज एट ए। अर्थव्यवस्था में आरंभिक संतुलन का स्तर ए तक था। हियर इनकम लेवल वॉज ओ जे, नाउ इनकम हैज बीन इंक्रीज बाय जे के। अब जो आय है वो जे के बराबर बढ़ा दी गई है। प्रारंभिक जो आय का स्तर था वो ओ वाई का था। जैसे ही हमने ओ ई में कुछ नया इन्वेस्टमेंट जोड़ के समग्र मांग को ओ एफ तक पहुंचाया, वी हैव इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम ओ ई टू ओ एफ बाय इंक्रीजिंग इट बाय एड एडिंग इन इट सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इस पे कुछ अतिरिक्त निवेश जोड़ के हमने समग्र मांग को बढ़ा दिया। सो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ ई एफ इन द इन्वेस्टमेंट, और वी कैन से एन इंक्रीज ऑफ इक्वल टू ई एफ इन एग्रीगेट डिमांड। आई में ई एफ के बराबर, आई में नहीं मतलब कि समग्र मांग में ई एफ के बराबर वृद्धि हुई है। दिस यहाँ पे तो समग्र मांग का वक्र ऊपर खिसक गया, और इसकी वजह से आय में भी परिवर्तन हुआ।
आई का जो पुराना लेवल था ओ जे से बढ़ के ओ एम तक हो गया। नाउ सी द चेंज इन एग्रीगेट डिमांड इज ई एफ, द चेंज इन इनकम लेवल ऑफ द इकोनॉमी इज जे एफ, ई एफ इज डेल्टा आई और डेल्टा ए डी। जो ई एफ है ये निवेश में परिवर्तन के बराबर है एंड जे के इज द डेल्टा वाई। जे के जो है आई में परिवर्तन के बराबर है एंड वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट डेल्टा वाई इज मच मोर देन डेल्टा आई। मीन्स जे के द चेंज इन y is much more than EF, the change in investment। हम ये भी गेस कर सकते हैं, देख सकते हैं ग्राफ से कि आय में परिवर्तन यानी जे के निवेश में परिवर्तन यानी EF से काफी ज्यादा है। So we can say that delta I has मल्टीपल अफेक्ट ऑन डेल्टा वाई। मीन्स इफ वी मेक एनी चेंज इन इन्वेस्टमेंट द चेंज इन इनकम विल बी मच मोर, मीन्स मेनी टाइम मोर देन चेंज इन इनकम। अगर हम निवेश में अर्थव्यवस्था के निवेश स्तर में कुछ भी परिवर्तन करते हैं तो अर्थव्यवस्था में आय के स्तर में कई गुना परिवर्तन हो जाता है। एंड द नंबर बाय विच इनकम इंक्रीजेस टू द मल्टीपल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नाउ द रेशियो बिटवीन change in income and change in investment, when we increase investment due to this income also increases and the ratio between both of them is known as multiplier। hum jab aay mein nivesh mein parivartan hai iski nivesh mein parivartan karte hain uski wajah se aay mein bhi parivartan hota hai aur in dono mein parivartan ka jo anupat hai use nivesh gunak kehte hain। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और आउटपुट मल्टीप्लायर रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच द इंक्रीज इन आउटपुट और इनकम एक्सीड द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो निवेश गुणक या आय गुणक या उत्पाद गुणक वह संख्या है यदि हम निवेश में परिवर्तन करते हैं तो जितने गुना उसके आय में वृद्धि होती है वह संख्या निवेश गुणक कहलाती है। हियर डेल्टा वाई इज चेंज इन आउटपुट, डेल्टा आई इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट। डेल्टा वाई का मतलब है आय में परिवर्तन, डेल्टा आई का मतलब है निवेश में परिवर्तन। तो फॉर एग्जांपल if we increase investment in an economy by rupees 25 crore and due to this income increases by rupees 100 crore then we can see investment multiplier, means the value of investment multiplier will be delta y upon delta I, means 100 upon 25। यदि हम उदाहरण के लिए मान लें किसी अर्थव्यवस्था में 25 करोड़ का निवेश बढ़ाते हैं तो इसकी वजह से आय में परिवर्तन हो जाता है 100 करोड़ का। तो अब जो निवेश गुणक है इसका मान डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई यानी कि 100 बटे 25 यानी कि
4, answer will be 4. Then 4 will be our investment multiplier, 4 हमारा निवेश गुणक होगा. Next, relationship between multiplier and MPC, marginal propensity to consume. निवेश गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के मध्य संबंध. There is a direct and proportional relationship between MPC and multiplier. MPC और निवेश गुणक के मध्य एक सीधा और अनुपातिक संबंध होता है. Higher the MPC, the value of K will also be higher. यदि MPC ज़्यादा होगी तो K का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा. And if we lower the value of MPC, then value of K will also be lower. यदि हम MPC को कम कर देंगे तो K का मान यानी निवेश गुणक का मान कम हो जाएगा. This formula shows the relation between MPC and investment multiplier. ये formula निवेश गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच संबंध को दर्शाता है. We can also write it K equal to 1 upon MPS because 1 upon MPS और 1 upon 1 minus MPC दोनों का मतलब सेम है. K का मतलब K बराबर 1 बटे MPS भी लिख सकते हैं, K बराबर 1 बटे 1 minus MPC भी लिख सकते हैं. Now see what happens if MPC increases. 0.5 is MPC in one economy, then value of multiplier is 2. 1 minus MPC is 1 minus 0.5 is equal to 0.5, and when we divide 1 by 0.5, answer is 2. यदि किसी अर्थव्यवस्था में MPC का मान 0.5 है तो क्या होगा निवेश गुणक का मान. K बराबर 1 बटे 0.5 यानी कि 0.5 हमारी MPC हो गई. तो 1 में अगर 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 ही आएगा, 1 बटे 0.5 हो गया. उसके बाद हम 1 को 0.5 से भाग दिए तो आंसर आया हमारा 2. नाउ इफ द वैल्यू ऑफ MPC इज मोर, अगर हमें MPC का मान ज़्यादा मिला है तब क्या होगा. देन अगेन फार्मूला इज सेम, K इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0.8. 0.8 इज न्यू MPC. अब 0.8 हमारी MPC हो गई तो हमने 1 अपॉन 1 माइनस 0.8 लिख लिया है. नाउ व्हेन वी सबट्रैक्ट 0.8 फ्रॉम 1, आंसर विल बी 0.2. जब हम 1 में 0.8 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 0.2 आएगा. देन वी डिवाइड 1 बाय 0.2, आंसर इज 5. हमने 1 को 0.2 से भाग दिया तो आंसर 5 आया. तो नाउ वी कैन सी इफ MPC इज लेस मल्टीप्लायर इज लेस, इफ MPC इज मोर मल्टीप्लायर इज मोर, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज मोर. अगर MPC कम है तो निवेश गुणक का मान कम है, अगर MPC ज़्यादा है तो निवेश गुणक का मान ज़्यादा है. नाउ हाउ वी कैन सी दैट देयर इज दिस रिलेशन बिटवीन K एंड MPC. हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा K और MPC के बीच में यही रिलेशन है. फर्स्ट थिंग, K इज इक्वल टू डेल्टा Y एंड डेल्टा I. वेल डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, K का मतलब है निवेश में परिवर्तन और I में परिवर्तन. I में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन के बीच अनुपात. देन हेयर वी आल्सो नोज दैट Y इज इक्वल टू C प्लस I, मीन्स वन पार्ट ऑफ इनकम इज कंज्यूम एंड अदर पार्ट इज इन्वेस्टेड इन द टाइम एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम. संतुलन पे C और I दोनों को जोड़ के I के बराबर हो जाता है. देन डेल्टा Y विल ऑल्सो बी इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा I. जब Y बराबर
सी प्लस आई है तो डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई होगा, मीन्स सम पार्ट ऑफ न्यू मीन्स एडिशनल इनकम विल बी कंज्यूम एंड अदर पार्ट विल बी इन्वेस्टेड, जो बढ़ी हुई आय है उसका कुछ हिस्सा निवेश में लगा दिया जाएगा और जो बाकी है उस पर कंज्यूम कर लिया जाएगा, या हम कह सकते हैं सम पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड विल बी इन्वेस्टेड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड अदर पार्ट इज कंसम्पशन डिमांड। हम ये भी कह सकते हैं कि समग्र मांग का कुछ हिस्सा निवेश मांग होता है और कुछ हिस्सा उपभोग मांग होता है। इन द बोथ द आंसर विल बी सेम, दोनों तरह से मतलब एक ही है। नाउ डेल्टा आई वी हैव ट्रांसफर डेल्टा आई टू दिस साइड एंड डेल्टा वाई टू दिस साइड, हमने डेल्टा आई का परिवर्तन कर दिया डेल्टा वाई को दूसरी साइड कर दिया है। और इफ वी सेंड डेल्टा सी टू द साइड ऑफ वाई, यदि हम डेल्टा सी को वाई के साइड में भेजें देन डेल्टा सी विल बिकम नेगेटिव, डेल्टा सी जो है वो माइनस में पहुंच जाएगा, डेल्टा आई देन विल बी इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी, तब डेल्टा आई की वैल्यू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी के बराबर होगी। सो हेयर आवर फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा आई एज डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब हम इस फार्मूले में मतलब गुणक के फार्मूले में डेल्टा आई की जगह डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी रख देंगे। नाउ के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। नाउ both side are both side of a equation are divided by y, दोनों तरफ को हम equation में denominator numerator दोनों जगह पे हम delta y से भाग दे देते हैं, अंश और हर दोनों में भाग देते हैं, then it will become delta y upon delta y एंड हेयर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऊपर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई हो जाएगा और नीचे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई हो जाएगा। नाउ व्हेन वी डिवाइड इट डेल्टा वाई विल बी कैंसिल एंड सम विल बी 1, जब इसको भाग देंगे डेल्टा वाई कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा 1। सेम वे हेयर ऑल्सो आंसर विल बी 1 एंड वी नो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा y delta c upon delta y is MPC, the ratio between change in consumption and change in income is called marginal propensity to consume, उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात सीमांत उपभोग परिवर्तन कहलाता है। So at the place of delta c upon delta y we can also write MPC, तो हम डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई की जगह पे एम पी सी लिख देंगे। नाउ वी हैव गॉट दिस, सो वी कैन से दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के एंड एम पी सी, हम समझ सकते हैं आप देख सकते हैं कि एम पी सी और के बीच क्या संबंध है। नाउ वी आल्सो नो दैट एम पी सी प्लस एम पी एस इज 1, so if we minus 1 from m minus mpc from 1 then we can write also write it as mps, hum jante hain ki 1 mein agar mpc ghataye to mps aata hai, to hum is formula ko aise bhi likh sakte hain k equals to 1 upon mps, k barabar 1 bate mps, so we can say m value of k is reciprocal of mps, means mps has opposite relation with k, if mps is higher k will be lower,
if MPS is lower then K will be higher. हम इस फार्मूले के हिसाब से कह सकते हैं कि MPS की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो K यानी निवेश प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी और MPS if value of MPS is lower then K will be higher. अगर MPS की वैल्यू कम है तो K की वैल्यू ज़्यादा होगी. Higher the MPS, lower the value of, higher the MPS, lower the value of K, lower the MPS, higher the value of K. Now, see the logic behind the direct relationship between MPC and multiplier. MPC और multiplier के बीच में, गुणक के बीच में जो सीधा संबंध है उसका अब कारण देखते हैं. When we make additional investment in the economy means when we make additional expenditure in the economy then the income to that level is generated means we have to produce goods from this investment and when we produce goods in the economy the income or output level increases. जब हम शुरुआत में आरंभिक निवेश करते हैं अर्थव्यवस्था में तो जितना भी हम निवेश करते हैं उतना उत्पादन करते हैं. उतना उत्पादन होने का मतलब है कि आय में भी उतना ही परिवर्तन आया. Means we generate income equal to change in investment in the economy. अर्थव्यवस्था में आय में परिवर्तन के बराबर अर्थव्यवस्था में निवेश में परिवर्तन के बराबर ही हम आय सृजित करते हैं. This is the first round when change in investment and change in income or equal. ये पहला चरण है जिसमें जैसे ही आय में वृद्धि हो निवेश में वृद्धि होता है वैसे ही आय में भी उतनी ही वृद्धि होती है. बट दिस चेंज इन इनकम रिजल्ट्स टू चेंज इन कंसम्पशन. व्हेन द इनकम ऑफ पीपल इंक्रीजेस दे रेज देयर कंसम्पशन लेवल एंड अदर पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड. जैसे ही एक बार पहले चरण में आय बढ़ी तो जितनी भी आय भी बढ़ी उसका कुछ हिस्सा लोग उपभोग में व्यय कर देंगे और कुछ बचत के रूप में रख लेंगे. नाउ टू फुलफिल द डिमांड ऑफ पीपल विच हैज बीन इंक्रीज्ड ड्यू टू चेंज इन इनकम. आय में वृद्धि होने के कारण लोगों की जो उपभोग मांग में परिवर्तन आया है उसको पूरा करने के लिए द प्रोड्यूसर्स हैव टू प्रोड्यूस मोर एंड टू प्रोड्यूस मोर दे विल इन्वेस्ट मोर मीन्स इन द सेकेंड राउंड दे विल इन्वेस्ट फॉर द प्रोडक्शन सो दैट दे विल फुलफिल द इंक्रीज डिमांड. अगले लेवल में क्या करेंगे उत्पादन जो भी लोगों ने भोग व्यय को बढ़ाया है जितना उतनी मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाएंगे आउटपुट बढ़ाएंगे. एंड इन द सेकेंड राउंड दे विल अगेन इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी टू फुलफिल द डिमांड ऑफ पीपल. लोगों की मांग को पूरा करने के लिए लोग फिर से अर्थव्यवस्था में निवेश करेंगे उत्पादक वर्ग निवेश करेगा. देन दिस विल अगेन जनरेट सम इनकम एंड अगेन द इनकम विल बी डिवाइडेड इनटू कंसम्पशन एंड सेविंग. अब दूसरे चरण में जैसे ही उत्पादक वर्ग निवेश को बढ़ाएगा बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए फिर से जितना भी निवेश उसने बढ़ाया है उतने आय सृजित होगी और ये आय फिर दो भागों में बढ़ जाएगी. एक वो जो लोगों का व्यय होगा यानी व्यय में
उपभोग व्यय में परिवर्तन, दूसरा लोगों की आय में परिवर्तन। नाउ अगेन टू फुलफिल दिस चेंज इन कंसम्पशन द प्रोड्यूसर विल रेज देयर प्रोडक्शन एंड फॉर दिस दे विल इन्वेस्ट मोर। अब अगली बार यानी थर्ड चरण में, इन थर्ड राउंड, तीसरे चरण में लोगों की बड़ी मांग को पूरा करने के लिए उत्पादक वर्ग फिर निवेश करेगा एंड दिस विल अगेन लीड टू राइज इन इनकम, और इससे फिर आय में वृद्धि होगी। एंड देन अगेन इट विल बी डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, डेल्टा सी एंड डेल्टा एस, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू विल कंटिन्यू इन द इकोनॉमी फॉर मेनी राउंड। और ये जो प्रक्रिया है बार बार निवेश करने की, निवेश से आय बढ़ने की, आय से उपभोग बढ़ने की, उपभोग को पूरा करने की, फिर निवेश करने की, ये लगातार कई चरणों तक बढ़ता रहेगा। एंड एट द लास्ट वी विल सी दैट फाइनली द इनकम हैज रिजन मच मोर देन द चेंज इन इन्वेस्टमेंट एट इनिशियल लेवल। आरंभ में हमने निवेश में जितना भी वृद्धि किया है, हम अंत में देखेंगे कई चरणों के बाद कि आय में परिवर्तन उसका कई गुना ज्यादा है। जितने गुना ज्यादा है वही संख्या मल्टीप्लायर है, द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई टू गेट चेंज इन इनकम इज नोन एज मल्टीप्लायर। अब वी हैव टू सी व्हाट इज द रोल ऑफ एमपीसी, व्हाई हायर एमपीसी मींस हायर राइज इन इनकम। ऐसा क्यों है कि अगर एमपीसी का मान ज्यादा होगा तो आय में वृद्धि ज्यादा होगी, एंड व्हाई इफ एमपीसी इज लोअर चेंज इन इनकम विल आल्सो बी लोअर, और एमपीसी कम होने पर आय में परिवर्तन भी कम होगा। सी पीपल स्पेंड अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम, लोग अपने उपभोग को अपनी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के अनुसार खर्च करते हैं। इफ एमपीसी इज 0.4 एंड वी हैव इन्वेस्टेड ₹100 इन द फर्स्ट राउंड, देन डेल्टा सी विल बी एमपीसी इनटू 100 एंड दैट बिकम्स 40। अब एमपीसी मान लिया हमने 0.4 है और आरंभिक जो निवेश में वृद्धि हुई है वो 100 हुई है, एंड दैट इज आल्सो इक्वल्स टू चेंज इन इनकम इन द फर्स्ट लेवल, फर्स्ट राउंड, प्रारंभिक पहले जो चरण में आय में वृद्धि हुई है उसके बराबर है 100 रुपये का, मतलब 100 करोड़ का निवेश। तो एमपीसी को गुणा किया निवेश में परिवर्तन से आया 40। नाउ इफ द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज मोर, मींस इफ इट इज 0.6, देन व्हाट विल बी द चेंज इन कंसम्पशन एक्सपेंडिचर। यदि एमपीसी ज्यादा है, पहले से 0.6 है 0.4 की जगह, तब उपभोग में परिवर्तन क्या होगा, तब एमपीसी इनटू 100 मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम इनटू 100 सीमांत उपभोग प्रवृत्ति गुणे 100 बराबर हो रहा है 60 इज इक्वल टू 60। सो वी कैन सी व्हेन एमपीसी इज लोअर इन्वेस्टमेंट सॉरी कंसम्पशन एक्सपेंडिचर इज लेस, एंड व्हेन एमपीसी इज मोर कंसम्पशन एक्सपेंडिचर इज मोर। जब एमपीसी कम है तो उपभोग व्यय में वृद्धि कम हुई, जब एमपीसी ज्यादा है तो उपभोग व्यय में वृद्धि ज्यादा हुई। सो वी कैन से इफ एमपीसी इज हायर द चेंज इन इनकम विल ऑल्सो बी हायर, मीन्स वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल ऑल्सो बी हायर। इफ इनकम सॉरी एमपीसी इज लेस देन चेंज इन इनकम विल ऑल्सो बी लेस एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी ऑल्सो लेस।
यदि एमपीसी का मान कम है तो आय में परिवर्तन, उपभोग में परिवर्तन भी कम होगा, और यदि एमपीसी का मान ज्यादा है तो उपभोग में परिवर्तन भी ज्यादा होगा, और इसकी वजह से के यानी कि निवेश गुणक का मान भी ज्यादा होगा। सी मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, निवेश गुणक की प्रक्रिया। वी हैव अज्यूम दैट एट इनिशियल लेवल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 100 करोड़ एंड एमपीसी इन द इकोनॉमी 0.5। हमने मान लिया है कि आरंभ में किसी भी अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ का निवेश बढ़ता है और एमपीसी 0.5 है। व्हेन वी इंक्रीज रुपीज 100 करोड़ एज इन्वेस्टमेंट देन इमीजिएटली चेंज इन इनकम इज रुपीज 100 करोड़ एंड वन पार्ट ऑफ दिस इनकम इज goes for consumption, then other part goes in saving। हम मान लेते हैं कि जैसे ही 100 करोड़ रुपए का निवेश हुआ अर्थव्यवस्था में, तो 100 करोड़ रुपए की आय तुरंत बढ़ी। अब आय आउटपुट जो भी उत्पादन है उसे बढ़ा। अब इस आय का कुछ हिस्सा लोगों ने उपभोग में खर्च कर दिया और दूसरा हिस्सा बचत में खर्च हो गया। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चेंज इन कंसम्पशन। चेंज इन इनकम कैन बी डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग इनकम बाय एमपीसी। एमपीसी इज हियर 0.5, सो चेंज इन कंसम्पशन इज 50 करोड़। हम उपभोग में परिवर्तन को आय में परिवर्तन को एमपीसी से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। सो हियर चेंज इन कंसम्पशन इज रुपीज 50 करोड़ एंड चेंज इन सेविंग इज आल्सो 50 करोड़, मीन्स 0.5 इज एमपीएस मल्टीप्लाई 100। एमपीएस को हमने आय में परिवर्तन में गुणा किया तो हमें बचत प्राप्त हो गई। टेन टू फुलफिल द इंक्रीज डिमांड ऑफ रुपीज 50 करोड़ देयर द प्रोड्यूसर हैव टू इंक्रीज देयर प्रोडक्ट प्रोडक्शन लेवल आउटपुट लेवल बाय रुपीज 50 करोड़ एंड अगेन देयर इनकम विल राइज बाय 50 करोड़। अब इस 50 करोड़ के लोगों के उपभोग स्तर को पूरा करने के लिए उत्पादक वर्ग को 50 करोड़ का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, जिससे तुरंत 50 करोड़ की आय का सृजन होगा। एंड अगेन दिस विल बी डिवाइडेड इनटू कंसम्पशन एंड सेविंग, फिर से ये उपभोग और बचत में बढ़ जाएगी। एंड दिस कंसम्पशन एंड सेविंग विल बी डिसाइडेड बाय द एमपीसी इनटू चेंज इन इनकम। इसको हम फिर से एमपीसी और आय में परिवर्तन के जरिए गुणा करके हम उपभोग में परिवर्तन पता कर लेंगे, और एमपीएस और आय में परिवर्तन को गुणा करके हम बचत में परिवर्तन पता कर लेंगे। देन अगेन टू फुलफिल दिस रुपीज 25 करोड़ डिमांड, न्यू डिमांड, द प्रोड्यूसर हैव टू प्रोड्यूस इंक्रीज देयर आउटपुट बाय रुपीज 25 करोड़। अगेन द इनकम विल बी जनरेटेड एंड अगेन दिस इनकम विल बी डिवाइडेड इंटू कंसम्पशन एंड सेविंग। फिर से इस 25 करोड़ की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादक वर्ग उत्पादन बढ़ाएगा, फिर से आय बढ़ेगी तो फिर से एक पार्ट इसका बचत में जाएगा और एक पार्ट उपभोग में जाएगा। यह क्रम लगातार चलता रहेगा। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10 राउंड, 10 चरण पूरा होने के पश्चात, वी सी दैट चेंज इन इनकम इज जस्ट डबल द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हम देख रहे हैं कि आय में परिवर्तन निवेश में परिवर्तन का 2 गुना हो गया है। सो वी कैन सी दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट
एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम एंड दैट इज इन मल्टीप्लायर, देयर इज मल्टीप्लायर इफेक्ट. बिकॉज ऑफ दैट मल्टीप्लायर इफेक्ट इनकम राइजेज मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे निवेश और निवेश और उपभोग आय के बीच निवेश और आय के बीच जो संबंध है वो गुणक का संबंध है. जितना भी निवेश बढ़ता है उससे कई गुना ज्यादा उपभोग सॉरी आय बढ़ती है. हियर वी कैन से द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू 2. हम देख सकते हैं कि के यानी निवेश गुणक का मान डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई यानी 200/100 बराबर 2 है. एंड वी आल्सो सी हियर वी कैन आल्सो कैलकुलेट इट बाय एमपीसी एंड हियर द आंसर इज सेम. या एमपीसी से अगर हम पता कर रहे हैं तो भी आंसर वही आ रहा है. नाउ फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर. When we make some increment in investment, there will be increase in income. But if we make some disinvestment, means if we decrease the investment, there will be decrease in income. जब हम आय में सॉरी निवेश में वृद्धि करते हैं तो आय में भी वृद्धि होती है, और यदि हम निवेश में कमी करते हैं तो आय में भी कमी होती है. सो दिस एक्शन व्हेन इनकम इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज नोन एज फॉरवर्ड एक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. एंड व्हेन इनकम डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज नोन एज बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर. जब आय में वृद्धि होने से सॉरी जब निवेश में वृद्धि होने से आय में वृद्धि होती है तो उससे गुणक की सकारात्मक प्रक्रिया या आगे की ओर प्रक्रिया करते हैं, और जब निवेश में कमी होने से आय में कमी होती है तो उसे गुणक की पीछे की प्रक्रिया या विपरीत प्रक्रिया कहते हैं. नाउ इफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 2 एंड वी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय रुपीज 100 crore, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई विल बी के इंटू डेल्टा आई मीन्स के 2 × 100 = 200. यदि निवेश में परिवर्तन 100 है और के यानी कि गुणक का मान 2 है तो आय में परिवर्तन का मान गुणक गुणे निवेश में परिवर्तन यानी 2 × 100 = 200 है. सो हेयर वी सी दैट इनकम हैज बीन इंक्रीज बाय ₹200 crore व्हेन वी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय 100 crore. हम यहाँ देख रहे हैं कि आय में 200 की वृद्धि हुई जब निवेश में 100 crore rupees की वृद्धि हुई. नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस इन्वेस्टमेंट वी डिक्रीज द इन्वेस्टमेंट. अगर हम निवेश को कम कर देते हैं तो क्या होता है. इफ वी डिक्रीज द इन्वेस्टमेंट बाय ₹100 crore एंड के इज अगेन 2 देन डेल्टा वाई विल बी के इंटू माइनस डेल्टा आई. अब आर में परिवर्तन क्या होगा जब निवेश गुणक 2 है और आय और निवेश में 100 crore rupees की कमी होती है तो के गुणे माइनस डेल्टा आई बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग हियर. That's why we have written minus delta y, delta i. हम यहाँ पे निवेश घटा रहे हैं तो इसलिए हमने minus delta i लिखा है. So k into means 2 into minus 100 becomes minus 200. So income will be decreased by ₹200 crore. तो आय हमारी 200 crore rupees के बराबर कम हो जाएगी. So this chapter is over now and in this part we will solve some numericals. ये अध्याय भी पूरा हुआ. अगले पार्ट में हम कुछ संख्यात्मक प्रश्नों को करेंगे. हियर आर सम क्वेश्चन, यू कैन सी देम बाय पॉजिंग दिस वीडियो. थैंक यू. हैव ए नाइस.